हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैकरिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रैकरिंग का मतलब होता है डिजिट की रिपीटिंग, डिजिट की रिपीटिंग। तो ये डिफरेंट टाइप के रैकरिंग क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.75 के ऊपर रैकरिंग है, तो आपने ट्रिक के मेथड से करना है। 75 लिख देना है और कितने डिजिट की रिपीटिंग है, 2 उतने 9 लिख देने हैं, उतने 9 लिख देने। यहाँ पे देखो 1 डिजिट की रिपीटिंग नहीं हो रही है, जिस डिजिट की रिपीटिंग नहीं होगी वो बोला हमने क्या करना है, उसके जगह पर 0 लिख देना है। तो दो दो डिजिट की रिपीटिंग हो रही है, एक डिजिट की रिपीटिंग नहीं, उतना एक डिजिट की रिपीटिंग नहीं हो रही है, उतना 0 लगा देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में 375 लिख देना है, जिसकी रिपीटिंग नहीं उसको लेस कर लेना है। तो आपका क्या आंसर हो, 374/99 और 0। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट की रिपीटिंग हो रही है, 2 तो 29, और ये पॉइंट के इधर है तो 0 नहीं लगाना। पॉइंट के अगर यहाँ पे होता तो हम 0 लगाते। और फिर यहाँ पे 475 - 4 ये वाला करना ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 744/99। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, 2 डिजिट की रिपीटिंग और ये 1 डिजिट नॉन रिपीटिंग, पॉइंट के बाद देखना है, 1 0 लग जाएगा। और यहाँ पे 2436 - ये वाले 24 लेस करेंगे यहाँ पे, तो आप लेस करो 2 4 कितना आ जाएगा, लेस कर लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, अपॉन 990। कटिंग करके आंसर देना, ये आपका ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह से रैकरिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।